सर आपको क्या कहना है, इतनी बड़ी क्षति जो है वो देश के लिए हुई है? आज देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और बड़ा दुखदायी का दिन है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी जिस तरह हमारे बीच में नहीं रहे, हमको बड़ा कष्ट है, दुख है। परसों भी मैं परिवार को मिला था, आज भी हम परिवार को मिले हैं। उनको हमने बिपिन जी उनकी पत्नी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, संवेदनाएं प्रकट किए हैं। अपने जनरल बिपिन रावत जी जिस तरह देश के लिए मर मिटे और जिस तरह निर्णायक भूमिका उनकी हर समय रही है, चाहे पाकिस्तान आतंकवादी को ढेर करने का काम हो, पुलवामा की घटना हो, कारगिल का युद्ध हो, ऐसे समय पे उन्होंने योद्धा के रूप में अपनी निर्णायक भूमिका जो निभाई है, हम सब उसको याद करेंगे। लेकिन साथ ही मैं कह सकता हूँ, देश को उन पे नाज है, लेकिन उत्तराखंड और को भी नाज, और इतना ही नहीं तो वो उत्तराखंड की भी चिंता उनको रहती थी। ये सता थी कि वहाँ बॉर्डर का एक प्रदेश है, वो बॉर्डर गांव आबाद रहने चाहिए, वहाँ के नौजवान पलायन न करें, रुकें, जिसे सैनिकों का भी मनोबल बढ़ा रहे, ये बात कहते थे। आपके ऑपोजिशन से हैं, कांग्रेस से, लेकिन हरीश रावत ने भी कहा कि बहुत बड़ी क्षति है पर्सनल लेवल पे भी। आपका पर्सनल कुछ अगर एक्सपीरियंस आपको याद हो उनके बारे में? देखिए, मैंने कहा कि आज पूरा देश को तो क्षति हुई है और सारा देश उन पर नाज करता है, उत्तराखंड नाज करता है। मैंने आपसे कहा कि 3-4 बार मेरा उनसे मिलना हुआ है। मैं मुख्यमंत्री था, घर पर आए, उनकी पत्नी भी थी, हम भी थे, बहुत सारी बातें शेयर किए हैं। और यही उनको एक चिंता थी कि देश की रक्षा, मैंने कहा कि उनके लिए सेवानिवृत्ति के बाद भी पहला होगा, लेकिन उत्तराखंड के बारे में कहते थे कि वहाँ नौजवानों का पलायन जो हो रहा है वो रुकना चाहिए, और जो बॉर्डर एरिया उसको मजबूत होना चाहिए, सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे, गांव आबाद रहने चाहिए। एक स्मारक भी उनकी याद में बनाया जाए, निश्चित निश्चित। और कोई मांग है आपकी? मैं अभी पार्लियामेंट के अंदर भी कोई ना कोई बात हम रखेंगे, निश्चित है कि कुछ ना कुछ उनके नाम पर जरूर है कि कुछ होगा, और हमें विश्वास है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी उन पर पूरी तरह नाज है, और मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ उत्तराखंड के अंदर उनके नाम पे हम लोग करेंगे।